अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मोटिवेशन से मैंने ये सोलर सिस्टम लगाया है। ये 660 वाट का सिस्टम है और ये 16,500 की एक प्लेट आई फ्रीना की। ये जैसा आप ये देख रहे हैं, ये दो प्लेट्स हैं, इसको पैरेलल कनेक्शन के अंदर पैरेलल कनेक्शन किया हुआ है। ये इसकी स्पेसिफिकेशन है प्लेट की। और ये 8 mm की वायर है जो 3100 रुपए की 3700 रुपए की मुझे मिली थी, 31 फिट। और ये एक LED लाइट है लॉन की, 12 वॉट की। अभी इस वक्त बिल्कुल 1:15 हो रहा है, लेकिन क्लाउडी वेदर है। ये 23 तारीख को मैंने परचेज की थी ये प्लेटें, और ख़ुद ही मैंने A to Z इंस्टॉल की है। तो सारी की सारी रज़ा भाई की वीडियोस देख के और उनसे व्हाट्सएप पे बात करके जहाँ मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो ये मैं नीचे चलते हैं। इस हिसाब से इसकी वायरिंग्स हैं, ये वायर यहाँ से आ रही है, फिर मैंने दीवार में से इसको ड्रिल किया। ये एक वॉशरूम में लाइट लगी हुई है, ये दूसरे वॉशरूम में लाइट लगी हुई है। और ये किचन के अंदर लाइट लगी हुई है। और ये दूसरा रूम में एक ये लाइट है और एक ये लाइट है। ये 12 वाट की लॉन की लाइट्स हैं और ये 18 वाट के बल्ब हैं। और ये DC फैन है खुर्शीद के, AC DC। ये अभी 3 नंबर के ऊपर चल रहे हैं। और ये दूसरा रूम है, इसमें भी सेम यही AC DC फैंस हैं। और ये 18 वाट का बल्ब है और ये 12 वाट की लाइट है। अभी तीसरा फैन मैंने लगाया नहीं है, वो भी लगाना है, इसकी वायरिंग कर दी है। और ये जो वायर ऊपर से आ रहा था वो ये अलहम का MPPT कंट्रोलर है। और ये इसकी बॉक्स बना हुआ है बटन्स का, तो ये कनेक्शन मैंने सारे ऑन कर दिए। और एक ये AGS GX 165 मॉडल नंबर है, 21 प्लेट की ये बैटरी है, 12 वोल्ट की और 120 एम्पियर की ये बैटरी है बेसिकली। और जो 165 है वो इसका मॉडल नंबर है। अब ये मैंने सारा लोड इसके ऊपर ऑन कर दिया, फैन भी चल रहे हैं, ये लाइट्स भी हैं। ये सब रजा भाई की काविश से पाया तकमील को पहुंचा है, वरना तो पहले तो लेने का सोच रहे थे, फिर उसके बाद लगाने का। और एक मेरे पास पहले का फैन पड़ा हुआ था 100 का, तो ये बैटरी वाला था। ये भी रजा भाई की वीडियो देख के मैंने इसको 12 वॉट पर डायरेक्ट कर लिया, बैटरी इसकी ख़राब हो गई थी।